हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक लाइव आने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो है एम्बिएंट वन एप्लीकेशन में ऐप टू पे से विड्रॉल लेने का क्या टर्म्स कंडीशन है, ऐप टू पे से विड्रॉल लेने का मिनिमम कितना है, यानी आप मिनिमम कितना विड्रॉल लगा सकते हैं, मैक्सिमम कितना विड्रॉल आप लगा सकते हैं, TDS कितना परसेंट करता है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि TDS कितना परसेंट करता है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि विड्रॉल लेते हैं, पॉइंट कट हो जाता है और बैंक में पैसा भी नहीं आता है, तो हम क्या करें कि हमारे जो पॉइंट कट हुए हैं वो पॉइंट वापस मिल जाए और हमें बैंक अकाउंट में विड्रॉल मिल जाए। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाला है, तो वीडियो को बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम विड्रॉल हम ऐप टू पे से कितना लगा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने ऐप टू पे से जो विड्रॉल लगाए थे, मेरे यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं अप्रूव है। और यहाँ पे जो आपको डिडक्शन होते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का एरो का साइन दिया हुआ है। मिनिमम विड्रॉल 1 लाख पॉइंट का लगता है, ओके। और इसमें जो ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि आपको मिनिमम 1 लाख पॉइंट का विड्रॉल लगा सकते हैं, और जब विड्रॉल लगाते हैं तो आपके वॉलेट में कम से कम 1,15,000 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि नीचे में आप देख रहे हैं 15,000 पॉइंट ट्रांजैक्शन चार्ज। तो जब भी आप विड्रॉल लगाते हैं तो मिनिमम विड्रॉल 1 लाख पॉइंट, और विड्रॉल लेने के लिए कम से कम आपके वॉलेट में 1,15,000 पॉइंट होने चाहिए, ताकि वो 1 लाख अपने आपके बैंक अकाउंट में आए और 15,000 जो वो डिडक्शन ट्रांजेक्शन के रूप में वो कट कर सके। तो आपको 1,15,000 होना चाहिए। आप ये डेट भी देख सकते हैं, मैंने इस डेट को मैंने विड्रॉल लिया हुआ था। उसके बाद मैक्सिमम कितना विड्रॉल ले सकते हैं, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। अब मैं बात करूँगा कि मैक्सिमम विड्रॉल आप कितना ले सकते हैं। तो मैक्सिमम अभी है 2 लाख पॉइंट, यानी पर ट्रांजेक्शन आप मैक्सिमम 2 लाख, बट पूरा 2 लाख विड्रॉल आप लेते हैं तो नहीं होता है। तो आपको 2,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट कम, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले आप देख लीजिए ऐप टू पे से विड्रॉल लिया, स्टेटस अप्रूव है, एम्बिएंट वन ऐप टू पे से विड्रॉल लिया था, ट्रांजेक्शन आई डी भी देख सकते हैं, मोबाइल नंबर आपका जो रहेगा वो रहेगा, और विड्रॉल पॉइंट देख सकते हैं कि मैंने कितने विड्रॉल किए थे, 1,57,000 पॉइंट, ठीक है। और ट्रांजेक्शन का था, यानी अप्रोक्स मानिए 2 लाख, तो 2 लाख का 15% कितना हुआ, 30,000 पॉइंट। नीचे में कितना है, 29,550, क्योंकि मैंने 3,000 पॉइंट कम विड्रॉल किए थे, यानी 2 लाख पॉइंट में 3,000 पॉइंट कम लिए, तो 1,57,000 जो मैंने विड्रॉल लिए विद इन अ सेकेंड हमारे बैंक अकाउंट में विड्रॉल आ गए। यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं, 29 मार्च 2023 11:45 को मॉर्निंग में मैंने विड्रॉल लिया था, ओके। तो मिनिमम विड्रॉल 1 लाख पॉइंट, 15% TDS, यानी कि 1,15,000 होगा, और 2 लाख का विड्रॉल लेना है तो कम से कम आपको 2,30,000 पॉइंट आपके वॉलेट में होंगे, तो ही जाके विड्रॉल ले सकते हैं। बट 2 लाख विड्रॉल नहीं ले सकते हैं, 1,000 2,000 3,000 पॉइंट कम, यानी कि 1,97,000 1,98,000 एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बट हाँ 1,97,000 विड्रॉल होता है, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपका जो विड्रॉल है, ठीक, किसी कारणवश से विड्रॉल OTP नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है ऐप टू पे से रिगार्डिंग, कॉन्टैक्ट टू एडमिन दिखाता है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि दिस विड्रॉल इज़ फेल्ड, कॉन्टैक्ट टू एडमिन, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो आपको क्या करना है, जब भी आपका ऐप टू पे से विड्रॉल कैंसिल हो जाए और बताए कि कॉन्टैक्ट टू एडमिन, यानी कॉन्टैक्ट टू एडमिन का मतलब है कस्टमर केयर। तो यहाँ पे देखिए एक चल रहा है, टॉप अप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो यूजर्स, अगर यहाँ पे ऊपर में देखते रहिएगा आपको यहाँ पे टॉप अप चलेगा, हेलो यूजर्स, अगर आपके पास कोई सवाल होते हैं या आपके पास कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है, किस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप पे भी है, इस पर क्लिक कीजिएगा आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेके चले जाएगी। तो किसी भी सहायता चाहिए तो आपको संपर्क करना है, किसे संपर्क करना है, ये नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप, ये कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है 6354028552। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कॉल का साइन दिया हुआ है, ये नीचे ये देख सकते हैं कॉल का साइन, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ भी आपको जो है व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम नंबर मिल जाएगा, और एक्सपर्ट के कुछ नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं आप इन सभी नंबर पे कॉल करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी बता देता हूँ साथ ही साथ
ये एक्सपर्ट की टीम जो है सिर्फ और सिर्फ दिन के 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही अवेलेबल रहते हैं, और रात में अवेलेबल ये नहीं रहते हैं, रात में ये आपको हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफिस आवर्स में ही कस्टमर केयर वर्क करती है। ठीक है, सैटरडे संडे छोड़ के, सैटरडे संडे को आपको जो है शायद इस पर कोई भी रिप्लाई ना मिले, बट हाँ सैटरडे संडे छोड़ के आपको किसी भी टाइम जो है 11 बजे से लेकर ऑफिस टाइम 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में जब भी आप जो भी प्रॉब्लम हो आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप अपना स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम नंबर पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस ओनली अवेलेबल मंडे टू फ्राइडे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे को ही 11 से 5 बजे तक कंपनी के जो कॉलिंग नंबर रहते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। और बात रही कि कंपनी का जो व्हाट्सअप नंबर है, वहीं पे जो आपको मैंने दिखाया स्क्रीन पे एप्लीकेशन में ही कंपनी का हेल्पलाइन व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 6352 वाला, तो उस पे जो व्हाट्सअप पे आप मैसेज करते हो जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, टैक्स रिगार्डिंग हो या फिर आपको ऐप टू पे विड्रॉल के रिगार्डिंग हो, पेटीएम के रिगार्डिंग हो, एप्लीकेशन अच्छे से चल नहीं रहा उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है, उसका जो रिप्लाई है आपको 24 आवर्स से लेकर 48 यानी 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक उसका सॉल्यूशन कंपनी आपको दे देगी। जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्ड करके कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्टर नंबर जो है एप्लीकेशन का, वो नंबर दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए, कंपनी जो है 24 से 48 घंटे में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। थैंक यू सो मच, और कोई अगर आपसे मुझे बात